और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं डेंट भी आ गया है, और ये जो छर्रा है देख सकते हैं दो हिस्सों में टूट गया है। तो यार काफ़ी बढ़िया पावर है इस गन में। सो गाइज़ वेलकम बैक टू अवर चैनल, और मेरा नाम है आयुष। और जैसा कि आपने देखा कि हमने कैसे एक दिवाली की गन को रियल गन में कन्वर्ट कर दिया है, और हमने इसमें स्पेशल पावर भी ऐड करी है जो कि आपको वीडियो में ही पता चल जाएगा। तो गाइज़ आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। ऑल राइट गाइज, तो ये है दिवाली की रिंग कैप वाली गन। तो देख सकते हैं किस तरीके की दिख रही है, और इसी से हम लोग अपना देसी कट्टा बनाने वाले हैं, मतलब टॉय गन को रियल गन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो देख सकते हैं अंदर से किस तरीके की दिख रही है। इसमें एक रोलर लगा हुआ है जिसमें कि हम लोग रिंग कैप को लगाते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से मटेरियल चाहिए। तो ये रही गन, और उसके बाद हमें चाहिए ये रिंग कैप। तो देख सकते हैं ये है रिंग कैप का पत्ता, और ये है कॉर्नेशन ब्रांड का। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये मुझे 7 रुपये का मिला था पूरा पत्ता, ठीक है। और गन के प्राइस की बात करें तो वो 25 रुपीज़ की है, 25 रुपये की है, ओके। और उसके बाद हमें चाहिए ये मिसाइलें। तो देख सकते हैं इन मिसाइलों का भी काफ़ी यहाँ पे अहम रोल है, वो मैं आपको बताऊँगा, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, अभी आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद हमें चाहिए एम सील, और ये है एक इपॉक्सी कंपाउंड जिससे कि हम लोग अपने छर्रे बनाने वाले हैं, और इससे जो छर्रे बनाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाएंगे, इसीलिए हमने इसका यूज़ किया है। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। और उसके बाद हमें चाहिए टिश्यू पेपर, तो इसका भी काफ़ी अच्छा रोल है यहाँ पे, क्योंकि ये छर्रों में पैकिंग लगाएगा। ऑल राइट गाइस, तो हमें ये सब मटेरियल चाहिए दिवाली गन को रियल गन में कन्वर्ट करने के लिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गन की बात करें तो यहाँ पे दिवाली की दो टाइप की गन आती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सिलेंडर बना हुआ है, और इसके पीछे जो है होल टाइप के बने हुए हैं जिसमें हम छर्रे को लगाते हैं। लेकिन कुछ गन मैंने देखी थी जो पीछे से पूरी खोखली होती हैं, तो उसमें हम लोग छर्रे नहीं लगा सकते। तो छर्रे लगाने के लिए हमें यही वाली गन चाहिए होगी, ठीक है। और मैंने प्राइस बता ही दिया, 25 रुपीज़ की मिल जाएगी। और ये रहा कॉर्नेशन ब्रांड का रिंग कैप, इसको खोलते हैं। सो देख सकते हैं इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। तो इसमें से मैं एक रिंग को निकाल लेता हूं क्योंकि हमें इसका यूज़ पड़ने वाला है। ऑल राइट गाइस, तो ये रहा हमारा रिंग कैप। तो इसको मैं इस गन में लगा के एक बार चला के दिखा देता हूं कि ये कैसा चलता है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें छर्रे लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें टेस्ट फायर करता हूँ। काफ़ी बढ़िया था। सो गाइस, अब हम बनाने वाले हैं छर्रे एम सील की मदद से। तो इसके अंदर देख सकते हैं दो मटेरियल निकलते हैं, इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड मटेरियल हमारे पास आता है। तो इससे हम लोग छर्रे बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक छर्रा बना के दिखाता हूँ, उसके बाद बाकी छर्रे भी वैसे ही बनाए जाएंगे। और यहाँ पर छर्रे बनाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो उसमें जो गन का होल था, उसमें जो सिलेंडर लगा है उसका जो होल है उसके अकॉर्डिंग ही हमें छर्रे बनाने हैं। तो छर्रे बनाते टाइम उसमें होल को भी मैच करते जाएंगे, कहीं छर्रा बड़ा ना हो जाए। तो देख सकते हैं ये है वो होल्स। तो यहाँ पे मैं इसको लगा के देखता हूँ, तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये बन गया है। तो अभी तो ये सूखा नहीं है, तो जल्दी से मैं इसको थोड़ा सा इसका पार्ट बाहर निकाल लेता हूँ, और बिल्कुल एक्यूरेट साइज का यहाँ पर छर्रा बना लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं छर्रा मैंने बना लिया है। अब मैं इसको फिर से टेस्ट करके देखता हूँ क्या ये होल में अच्छे से फिट हो रहा है कि नहीं। तो बाकी के छर्रे भी हमको ऐसे ही बनाने हैं। वैसे एक बार साइज़ का अंदाज़ा हो जाए तो बाकी के छर्रे हम आराम से बना सकते हैं। तो देख सकते हैं ये छर्रा बिल्कुल अच्छे से फिट हो रहा है, तो ये साइज़ परफेक्ट है। तो इसी से हम काफ़ी ज़्यादा छर्रे बना लेते हैं बाकी के भी। सो ऑल राइट गाइज, तो ये छर्रे मैंने पहले से ही बना के रखे थे, क्योंकि इनको सूखने में एक दिन का टाइम लगता है, और ये पूरे सूख चुके हैं देख सकते हैं। तो यहाँ पर छर्रे हमारे बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम गन में स्पेशल पावर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें चाहिए मिसाइलें, तो एक्चुअली हमें इन मिसाइलों का पाउडर चाहिए, क्योंकि इनके अंदर जो पाउडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, वो मैं आपको दिखाई चुका हूँ। तो इसके अंदर का जितना भी पाउडर है वो हम निकाल लेते हैं। तो सारी मिसाइलों का पाउडर निकाल लेते हैं। सो देख सकते हैं वाइट कलर का पाउडर, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो चलिए अब इस रोलर में छर्रों को लोड करते हैं।
तो लोड करने का तरीका भी देख लीजिए। तो यहाँ पे टिश्यू पेपर है, सबसे पहले टिश्यू पेपर को रखेंगे। तो इस होल के ऊपर टिश्यू पेपर को रख दिया। उसके बाद हमें छर्रा चाहिए, इस छर्रे को इसके ऊपर रख देंगे जिससे कि जो छर्रा है वो अच्छे से पैक हो जाएगा। और ध्यान रखिए हमें इसको काफ़ी ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, हमें हल्का सा ही अंदर प्रेशर देना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। तो इसको मैं अच्छे से फिट कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइट हो गया तो फिर वो निकलेगा नहीं। तो बाकी के छर्रों को भी हम इसी तरीके से लोड कर लेते हैं। सो गाइस देख सकते हैं सारे छर्रे मैंने लोड कर दिए हैं। अब हम इसमें पावर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा पाउडर डालना होगा सभी होल में, जो मैंने पाउडर मिसाइलों से निकाला था। तो जल्दी से उन सभी पाउडर को सभी होल में डाल देते हैं। तो पाउडर डालने के बाद ये जो रिंग कैप है इसको हम लगाएंगे और हमारा जो मैगजीन का रोल है वो लोड हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे अच्छे से लगा लेता हूँ। तो गाइस हमारा जो मैगजीन रोल है ये पूरी तरीके से रेडी है। अब हम इसको गन में लगाते हैं और ये फायर करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो इसको मैं अच्छे से लगा लेता हूँ। सो ऑल राइट गाइस, तो हमारी जो गन है वो पूरी तरीके से रेडी है फायर होने के लिए। तो चलिए यहाँ पे कुछ फायर करके देखते हैं, इसकी पावर को टेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम बैलून में लगाने वाले हैं निशाना। सो चलिए देखते हैं इसको शूट करके। ओ भाई साहब, तो देख सकते हैं कि ये जो बैलून है कितना बढ़िया तरीके से ब्लास्ट किया और इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर है। अब चलिए दूसरे बैलून को ब्लास्ट करते हैं। ओ गाइस, तो ये हमारा मिस हो गया है और यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, जो छर्रा है हमारा दो हिस्सों में टूट गया है। तो देख सकते हैं इस गन में गन की पावर की वजह से टूटा है या फिर ये टकराने की वजह से टूट गया है, तो दोनों ही कुछ भी हो सकता है इसमें। तो देख सकते हैं वैसे गन में पावर काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। तो चलिए फिर से टेस्ट करते हैं इसमें। ऑल राइट गाइस, तो देख सकते हैं जो बैलून था वो काफ़ी अच्छे से ब्लास्ट किया। तो यहाँ पे हमारी जो गन है वो अच्छे से वर्क कर रही है। चलिए कुछ और टारगेट करते हैं। तो इस बार फायर करेंगे माचिस बॉक्स में। ओ भाई साहब, एक बार में मैंने शूट किया। और यहाँ पे देख सकते हैं मैच बॉक्स में डेंट आ गया है। तो यार काफ़ी बढ़िया पावर है इस गन में। सो गाइज, अब आप लोग जान चुके हैं कि टॉय गन को रियल गन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। तो गाइज जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि अभी और भी वीडियोस आने वाली हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।